हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम आपको भाग देना सिखाएंगे। भाग किस प्रकार से देते हैं? दो बहुपद दिया गया हो तो उसको, जैसे प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वन से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को भाग देना है। तो हम पहले एक्स प्लस वन को यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब इसको जो भाग, जिसको हमको भाग देना होता है उसको हम बोलते हैं भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, और जो भी हमको यहाँ पे प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं भागफल। तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक्स का पावर क्या है। तो एक्स का पावर यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, तो भाज्य का पावर ज़्यादा होना चाहिए तभी हम उसको भाग दे सकते हैं। तो भाज्य में एक्स का पावर ज़्यादा है इसलिए हम इसे भाग दे सकते हैं। तो एक्स का हम ध्यान रखना है, कैसे करना है कि एक्स का पावर यहाँ वन है, यहाँ पे टू है, तो हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें इस एक्स प्लस वन में ताकि यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम इसमें एक्स मल्टीप्लाई करें, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे भागफल साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, इस एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसको हम माइनस करते हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों प्लस माइनस में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इसलिए दोनों कट जाएगा। अब बचा क्या, एक्स और माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो ये दोनों माइनस एक्स जो होगा ये माइनस टू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा। तो प्लस वन हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारे पास इसका पावर एक आ गया, इसका पावर भी एक है, तो दोनों का समान पावर हो तब भी हम इसको भाग दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक पावर है और यहाँ भी एक पावर है, तो हम इसमें ध्यान रखेंगे कि एक का गुणांक क्या है। तो एक से गुणांक माइनस टू है, तो हम इसमें माइनस टू को मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पे माइनस टू आ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसको भागफल साइड लिखेंगे, तो भागफल साइड में माइनस टू आ जाएगा, और इसमें हम माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स और माइनस टू आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा। अब हमको माइनस करना है इसको, तो ये माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा और ये जो है वो भी प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ये माइनस टू एक्स और ये प्लस टू एक्स दोनों कट जाएंगे, और वन और टू दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस थ्री होगा। तो ये वैल्यू आपका शेषफल बन जाएगा और ये जो है भागफल बन जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड, ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये, प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन को टू एक्स माइनस वन से भाग देना है। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, 2x माइनस वन से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं 6x स्क्वायर में, यदि 6 है तो हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 6 आ जाए, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x स्क्वायर x है तो यहाँ पे हम x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि x स्क्वायर आ जाए, तो 3x का टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसमें पूरे में 3x बस का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 3x का मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने से आया 6x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों जो है प्लस माइनस जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद 5 माइनस 5 है और यहाँ पे प्लस 3 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस 5 प्लस 3, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ा का जो साइन है नेगेटिव हो और एक का पॉजिटिव हो तो ऑलवेज वो घटता है और घटता है, और जिसका साइन बड़ा होता है, मतलब बड़े का साइन यदि नेगेटिव है
तो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे बड़ा का साइन माइनस है, इसलिए माइनस आया है, तो माइनस टू एक्स प्लस वन आएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ टू एक्स माइनस वन है हमारे पास, तो टू एक्स माइनस वन में यहाँ ध्यान रखें, तो यहाँ पे माइनस टू है और इसमें टू एक्स है, तो यदि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस टू एक्स आ जाएगा। तो इसलिए हमने माइनस वन का मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट लाइन में, माइनस वन का मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू एक्स प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस वन। अब इसको फिर माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स दोनों कट जाएंगे, वन और माइनस वन तो दोनों कट जाएंगे, तो जीरो, तो शेष फल जीरो, भागफल आपका थ्री एक्स माइनस वन। थैंक यू स्टूडेंट।